नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूँ आपके साथ संगीता अद्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के लिए 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बच्चों को वैक्सीन की डोजेस दी जा रही है तो 28 दिन बाद दी जाएगी वैक्सीन की अब दूसरी डोज। सरकार ने अलग अलग केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी वैक्सीन को लेकर के 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे 15 से 18 साल तक के बच्चे, और अब वैक्सीन के लिए 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही थी। प्रदेश सरकार ने अलग केंद्र बनाने के निर्देश भी दे दिए थे, और आज यानी कि 3 तारीख से बच्चों को 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोजेस जो है वो लगनी शुरू हो रही है। 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, ओमिक्रॉन के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम तरीके की समस्याएं हैं, और इस स्थिति को निपटने का केवल एकमात्र जरिया है वो है वैक्सीन। तो अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन के दायरे में लाया जा सके, इसका प्रयास कर रही है सरकार। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने अलग केंद्र बनाने के निर्देश भी दे दिए थे। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अब शुरू हो रहा है 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। इस दौरान अभिभावक और बच्चे भी जागरूक नजर आए हैं। 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो पहली डोज आज लगाई जानी है, पहली डोज के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो वहीं दूसरी डोज बच्चों के 28 दिन बाद लगाई जाएगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर अपडेट क्या कुछ है? 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है आज से। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पहली डोज के लिए तैयार है प्रशासन, दूसरी डोज 28 दिन बाद लगनी है। अभिभावक और बच्चे दोनों ही जागरूक नजर आए हैं, उत्साहित नजर आए हैं। 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आपको बता दें 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो थी वो शुरू कर दी गई थी, और अब आज के दिन यानी कि 3 तारीख से बच्चों को 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सोनीपत का। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जिले में 82,500 बच्चों को वैक्सीन लगनी है। पहले चरण में 5,000 वैक्सीन डोजेस पहुंची है। केंद्र सरकार को वैक्सीन की डिमांड भेज दी गई थी। 250 बूथों पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अलग अलग केंद्र बनाने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए थे सरकार द्वारा। तो 82,500 बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। तो तमाम तैयारियां हैं वैक्सीन को लेकर के, टीकाकरण केंद्रों में वो की जा चुकी थी। लगातार अभिभावकों को बच्चों को जागरूक किया जा रहा था, क्योंकि बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय हैं। जो तस्वीरें हमने दूसरी लहर में देखी, इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो, इसको देखते हुए शासन प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, और रोकथाम को, स्थिति को काबू में करने के लिए तैयार भी है। 15 से 18 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, और 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी बच्चों को। तो वहीं 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है इस दौरान। सोनीपत के क्या कुछ ताजा हाल है आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंद्रह से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सोनीपत में भी अभिभावक जागरूक नजर आए हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित नजर आए हैं, और यहां पर 82,500 बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। पहले चरण में 5,000 वैक्सीन डोजेस पहुंचाई गई हैं। केंद्र सरकार को इसको लेकर के पहले ही डिमांड भेज दी गई थी। तो वहीं 250 बूथ तैयार किए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी 15 से 18 साल के बच्चों को। तो सोनीपत से ताजा हाल अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है सोनीपत में। 82,500 बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। यहां पर पहले चरण में 5,000 वैक्सीन डोजेस पहुंचाई गई हैं, और उसको लेकर के केंद्र सरकार को पहले ही डिमांड भेज दी गई थी। सोनीपत में 250 बूथ तैयार किए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जाएंगी, और इन तमाम 250 बूथों पर तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, और इसके साथ ही
स्वास्थ्य के लिहाज से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर आपको बता दें, 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई थी, और क्योंकि अभिभावक चिंतित हैं, बच्चे भी जागरूक हैं, तो 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है वैक्सीन के लिए, और अब ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राज वर्मा का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, दूसरी लहर की जो तस्वीरें हमारे जहन में अभी भी जिंदा हैं, इस तरीके की स्थिति अब ना पैदा हो, उसको देखते हुए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है और प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है, क्या कुछ गुरुग्राम में हालात है, कितने जागरूक नजर आ रहे हैं अभिभावक और बच्चे? बिल्कुल, देखिए, उससे पहले अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आपने जो ठीक कहा कि दूसरी लहर में जिस तरह के हालात देखने को मिले थे, तीसरी लहर में भी ये हालात पैदा ना हो तो उसके लिए तैयारियां शुरू से की जा रही थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि जो बाजार है वो दिन के वक्त भरे रहते हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और जो कोविड नियम है उसका पालन लोग करते हुए नजर नहीं आते, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने मिनी लॉकडाउन भी लगाया है। शाम 5 बजे से कल से तमाम जो बाजार है, जो जरूरत की चीजों की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, तमाम बाकी बाजार बंद रहेंगे। तो अब जो एहतियात के साथ साथ जो सख्ती है वो भी शुरू हो गई है। इसके अलावा आज वैक्सीनेशन शुरू होना है और एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अभिभावक, पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे कि जो बच्चे हैं उन्हें उनका वैक्सीनेशन कब होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ही है जो अब आगे आने वाले इस खतरे से जो है वो बचाव कर सकता है। तो आज से उसकी शुरुआत होनी है, गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में जो है वो पूरी तैयारियां की गई है। 8 लाख बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ, जो 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, और उसके लिए जो तैयारियां हैं तमाम स्तर पर वो तैयारियां पहले से की गई थी। गुरुग्राम की बात करें तो करीब 76 सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स और जो कम्युनिटी सेंटर, तो तमाम ऐसी जगह है जहां पर कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। करीब 1,90,000 के आसपास बच्चे हैं जिन्हें गुरुग्राम में वैक्सीनेशन लगाई जानी है। तो तमाम तैयारियों के बीच आज जो एक लंबा इंतजार था पेरेंट्स का अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि एक डर कहीं ना कहीं शुरुआत से ही बना हुआ था कि जो बच्चों की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, 18 प्लस जो उम्र है उसके लिए वैक्सीन थी और वो लगातार लगाई भी जा रही है, तो एक राहत जरूर है 15 से 18 जो एज ग्रुप है उन बच्चों के लिए कि आज से वो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो तमाम तरह की तैयारियां हैं और सेंटर्स पर जो पहले से रजिस्ट्रेशन जो है वो बच्चों के किए गए थे, स्कूल्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जो बच्चे जिनको वैक्सीन लगनी है उनकी लिस्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपे, और उसी लिस्ट के आधार पर और जो जिला प्रशासन की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन हुए, जो पोर्टल पर जाकर जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं लोगों ने, तो उसी के आधार पर जो पूरे सेंटर्स जो है वो गुरुग्राम में लगाए गए हैं। जो शुरुआत जो है 9:30 बजे और 10 बजे के करीब होनी है वैक्सीन लगने की, तो तब जब बच्चों को आकर वैक्सीन लगवाएंगे। तो इस सब के बीच अभी भी लेकिन जो सख्तियां की गई है उन सख्तियों के बीच जिस तरह की अभी भी जो लापरवाही है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात भी बना हुआ है कि अगर ओमिक्रॉन का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, गुरुग्राम में अभी तक 34 मामले ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, कल 300 से पार कोरोना के मामले गुरुग्राम में पहुंचे थे, और पिछले अगर 10 दिन का अगर देखें हम तो 10 दिन में कोरोना के मामले तेजी से गुरुग्राम में बढ़े हैं, उससे पहले करीब 5, 6, 10 या 12 की संख्या होती थी, लेकिन अब एकदम से 100, 200 और अब 300 के पार कोरोना के मामले पहुंचे। जी बिल्कुल राज, सही कहा आपने, स्थिति भयावह हो सकती है आने वाले समय में, इसी के चलते ही इतने इंतजाम किए जा रहे हैं। रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार का, वो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, तस्वीरें वहां से क्या कुछ सामने आ रही है, कितने जागरूक नजर आ रहे हैं अभिभावक और कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चे, क्या कुछ इंतजाम है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है वहां से? बिल्कुल, इस समय मैं एक सेक्टर 11 की डिस्पेंसरी के बाहर मौजूद हूँ। इसे चिल्ड्रन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और इसी तरह से प्रदेश में कई ऐसे सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। 15,40,000 बच्चों का टीकाकरण प्रदेश में होना है। ऐसी परिस्थितियों में अभिभावकों के साथ पहले भी हमने बात करी थी, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस समय भी अभिभावक जागरूक थे। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनसे भी बात करेंगे। आप टीका लगवाने के लिए आए हैं? 15 साल। क्या समझते हैं कितना जरूरी है ये टीका ऐसी परिस्थितियों में जब लगातार नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं? काफी जरूरी है, सबको लगवानी चाहिए। आपने पहले ही तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि जब जैसे ऐलान हुआ कि बच्चों का टीकाकरण होगा तो उस समय क्या कहा था माता पिता को कि मुझे लगवाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है? जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन।
हाउ डू यू सी सर, आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को, क्योंकि सबसे बड़ी कमाई जो है वो औलाद होती है, और ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह का खतरा है, लगातार केसेस अब फिर से बढ़ रहे हैं, ओमिक्रोन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, आप सबसे पहले सुबह ही अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए आए हैं, रजिस्ट्रेशन आपने करा दी, क्या बंदे? गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल आउट एफर्ट, सरकार सारी कोशिशें कर रही है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वी एज सिटीजंस ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम खुद को भी और अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन। जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं सर, एक बड़ी लीनियंट अप्रोच है सोसाइटी की कि कोई नहीं होगा तो देखा जाएगा, ऐसी परिस्थितियों में नए साल के जश्न में भी हमने कई तस्वीरें देखी, क्या कहेंगे उन लोगों को जो कि जो नियम है या प्रोटोकॉल्स है उनको ताक पर रखकर जो है लोगों की और खुद की जिंदगी को खतरे में डाल? गवर्नमेंट, वी हैव इलेक्टेड द गवर्नमेंट, हमारे लिए गवर्नमेंट काम करती है, सरकार हमारे को गाइड करती है, गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही हमको बता सकती है, उससे आगे हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो सरकार डायरेक्शंस दे रही है, एडवाइजरी दे रही है, उसको हम फुली फॉलो करें। कुछ और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, कितनी उम्र है आप? 16 साल उम्र है, टीका लगवाने आए, कोई डर तो नहीं है दिमाग में? नहीं, कोई डर नहीं है। क्या सोच के, क्या जब जैसे ही ये कहा कि बच्चों का टीकाकरण होगा तो क्या दिमाग में आया एकदम से? कि सबसे पहले अपने आप को वैक्सीन लगवाए। माता पिता ने क्या कहा आपको, जो माता आपके साथ, माता पिता नहीं आए हैं लेकिन भाई शायद आपके आए हैं, तो ऐसे में क्या उनकी सपोर्ट क्या रहेगी? उनकी सपोर्ट ऐसी थी कि सर उन्होंने मेरे को बोला था कि जब वैक्सीन शुरू होगी तो साथ के साथ जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लियो और जल्दी से वैक्सीन ले लियो। तो आपके जो दोस्त हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस के जो दोस्त रहते हैं, उनको भी आपने कहा है कि आप भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे? हाँ जी, मैंने कहा है, मेरे एक दोस्त थोड़ा 18 से ऊपर है, उसने लगवा ली अपनी वैक्सीन, लगवा ली। तो आप देख सकते हैं युवा साथी, मैं चाहूंगा आप अंदर जाएं, अपना वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह के इंतजाम हैं। हरियाणा में 15,40,000 बच्चों का जो टीकाकरण है वो होना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगातार जो है वो खोला गया था, अब बच्चे जो है वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए, और ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके के साथ जो है एक प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 15 से 18 साल का जो सेगमेंट है अब उसको जो है यहाँ पर टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो लगाई, शुरुआत उसकी हो चुकी है। ऐसे में सजग माता पिता भी नजर आ रहे हैं, उनकी ओर से भी पूरी सपोर्ट अपने बच्चों को दी जा रही है, क्योंकि यही एक सुरक्षा कवच जो है वो इस समय दिखाई दे रहा है बचाव के लिए। तो ऐसे में ये पंचकुला की तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में तमाम युवा जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, अब उनकी बारी है इस सुरक्षा कवच को धारण करने की, और ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो डिस्पेंसरीज पहुंचकर जो है वो टीकाकरण की प्रक्रिया में खुलकर भाग जो है वो ले रहे हैं। जी विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं सिरसा का, वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं। अमर, वहां पर क्या कुछ हालात है, क्या कुछ केंद्रों में इंतजाम है और कितनी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जो पहला दिन है? देखिए संगीता, बिल्कुल अगर वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो आज का बड़ा दिन कहा जाएगा, क्योंकि आज से 15 से 18 साल के जो युवा है उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। और आज सिरसा शहर की बात करें तो करीबन 11 सेंटर ऐसे अधिकृत किए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया, और इसमें मौजूद हुए नागरिक स्थल का जो मुख्य कोविड सेंटर है वहां पर लगातार जहां युवा पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन जो टीकाकरण का अभियान है वो करीबन 9:30 बजे शुरू होगा, इसलिए उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि कल शनिवार एतवार की बात करें तो कल दोनों दिन छुट्टी होने के बावजूद यहां पूरी तैयारी कर ली गई थी, और बहुत से युवाओं जो कोविन ऐप पर जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया वो अपने टाइम के हिसाब से करवाते हैं, यही कारण है कि अलग अलग जो समय स्लॉट दिया जाता है उसमें युवा पहुंचना शुरू हो गया। हालांकि कुछ युवा यहाँ पहुंचने शुरू भी हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो 15 से 18 साल के जो युवा है शहर के अंदर, सिरसा जिले की पूरी बात करूँ तो करीबन 1,00,000 लाभार्थी है जिनको ये वैक्सीनेशन डोज दी जाएगी। इसके साथ साथ जो जितने जिले के अंदर पीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर है, सब में व्यवस्था की गई है। शहर की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि करीबन 11 सेंटर यहाँ बनाए गए और सभी सेंटर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है, और खास करके अगर जो पहले जो टीकाकरण की बात करें, सिरसा के अंदर काफी अच्छा टीकाकरण शुरू है, करीबन 16,75,000 लोगों को अभी तक जो 18 साल से ऊपर उनको टीकाकरण किया जा सकता है, और करीबन 7,33,000 ऐसे लोग हैं जो 18 साल से ऊपर थे जिनका करीबन 100% यानी दोनों संपूर्ण डोज दी जा सकती है। आज की बात करें तो आज जिस अभियान की शुरुआत की गई, इस अभियान के अंतर्गत जो कोवैक्सीन लगाई जाएगी जो 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, पहली डोज के लिए काफी जो युवा है उसमें उत्साह देखना मिल रहा है। हमने कल काफी लोगों से बातचीत भी की, जो जिस तरह से आगे संभावित खतरा जो दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए यह अभियान काफी मायने में सकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मांग की जा रही है कि जो 15 से 18 साल की युवा है उनको भी डोज लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाए जिस तरह से नया वेरियंट ओमिक्रॉन आया उसका अगर प्रभाव देखे तो हालांकि सिरसा के अंदर अभी तक इस तरह केसेज नहीं आए,
लेकिन जिस तरह से जो पहले डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह से कहर भर पाया था उसको देखते हुए बिल्कुल पूरी तरह से सरकार द्वारा सावधानी बरती जा रही है। यही कारण है कि काफी पाबंदियां भी लगाई गई। हालांकि जो अभियान जो पहले सिरसा की बात करूं तो जिस तरह से शुरुआत की गई थी, पहले सेंटरों पर शुरुआत की गई तो उसके बाद इसको स्कूलों में शुरू करना था, लेकिन फिलहाल स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए, इसलिए अभियान का दूसरा रूप दिया। जो युवा स्कूल कॉलेज में जाने वाले हैं मैक्सिमम वही युवा 15 से 18 बीच के होते हैं। यही कारण था कि स्कूलों के अंदर अभियान चलाने की बात की गई थी, लेकिन अब जो युवा घर पर रह करके अपना कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद यहाँ आ पाएंगे। लेकिन प्रशासन की तरह से पूरी तैयारी कर ली गई है। शक्ति की बात करें तो लगातार चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे प्रशासन हो, उनके द्वारा जगह जगह शक्ति बढ़ती जा रही है। सेंटर की बात करें तो यहाँ भी वाकदा ये कहा गया कि बिना वैक्सीन बिना मास्क के यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरी जगह बात करें तो जो तीसरी संभावित लहर है उसको देखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं। जिस तरह सरकार के निर्देश दिए गए उसके हिसाब से जो भीड़ भाड़ रही है, चाहे स्कूल हो चाहे बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बाजार हो, वहां पे बिना जिन्होंने दो डोज लिए नहीं जा सकेंगे। हालांकि जो पहली डोज है जिनका समय ड्यू नहीं है वो जा सकेंगे, लेकिन इस तरह की लगातार शक्ति दिखाई दे रही है। सबसे एक बार ये जरूर कहूंगा कि आज का दिन एक बड़ा दिन है, 15 से 18 साल के जो है शुरुआत की जा रही है, उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। जी अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस पर। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि आज से बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हो रही है। 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे सिरसा से, चंडीगढ़ से, गुरुग्राम से, तमाम अपडेट लगातार बनी हुई थी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी अपडेट आप देखेंगे आज दिन भर की, क्या कुछ केंद्रों में कितने संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो आपको फरीदाबाद लेकर चलते हैं। फरीदाबाद के हालातों की ताजा जानकारी देते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ फरीदाबाद में स्थिति है, वहां पर कितनी संख्या में अभिभावक और बच्चे पहुंच रहे हैं, कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है, केंद्रों में क्या कुछ इंतजाम है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए संगीता, अगर फरीदाबाद में भी बात करें तो अब बच्चों के आज से शुरुआत हो गई है। जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके वैक्सीन लगानी है, और इसके साथ साथ में जिस तरह हरियाणा सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया था कि 1 जनवरी के बाद में डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है उन लोगों को जो सरकारी कार्यालय में जाएंगे या सार्वजनिक स्थानों पर या बाजार में कहीं जाएंगे। तो ऐसे में अब जो वैक्सीनेशन की जो तादाद है वो बढ़ गई है, लोग लगातार लाइन में लग रहे हैं। मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हूँ, फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर पहुंचे हैं, चूंकि अभी सुबह का ही वक्त है और ऐसे में यहां लंबी लंबी लाइनें, इसकी वजह यही है जिस तरह से कोरोना की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ी है, और इसके साथ साथ में जो सरकार का फैसला है डबल वैक्सीन लगवाने का, तो इसी वजह से ये तमाम लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इससे अलग अगर आज बात करें तो अहम दिन उन बच्चों के लिए जो 15 से 18 साल के हैं उनके लिए भी आज से शुरुआत की गई है। और मैं आपको दिखाऊं अंदर, अगर तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहां बच्चे भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहां पहले उनका कराया जाएगा, उसके बाद में उनको वैक्सीन लगवाई जाएगी। और इस सेंटर के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे, उनसे पहले बात समझ लेते हैं कि आखिर जो बच्चों की जो वैक्सीन लगेगी वो प्रक्रिया क्या रहेगी। डॉक्टर साहब, किस तरह से बच्चे यहां पहुंच रहे हैं, जिस तरह शुरू हो गए हैं, प्रक्रिया क्या रहने वाली है? मैं सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 15 से 18 साल के जो लोगों के लिए जो ये पहल आज शुरू से करी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसा कि जो प्रक्रिया रहेगी वो करीब करीब जैसे पहले जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए प्रक्रिया थी, वैसी ही प्रक्रिया इन बच्चों के लिए भी रहेगी। इसमें दोनों ऑप्शन इनको दिए जा रहे हैं, एक तो ये चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा के यहाँ पर आ सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आज पहले दिन से ही ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हमने चालू कर दी है। अगर कोई बच्चा जो है या फिर उनके पेरेंट्स उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो यहाँ पे आके वो तुरंत के तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के और तुरंत के तुरंत वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रक्रिया पहले जो होती थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद में आधे घंटे के लिए उनको वहाँ रखा जाता था ताकि इंतजार किया जा सके कि कोई दिक्कत ना हो उनको, तो क्या बच्चों के साथ भी इसी तरह से टाइमिंग रहेगी? हाँ, बच्चों के साथ में भी सेम चीज़ रहेगी। बच्चों को भी देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि सब प्रक्रिया सेम रहेगी। क्या नाम, इसमें कैसा है कि पहले वहाँ पे उनका वेरीफाई किया जाएगा कि उनका नाम है उसमें कि नहीं, अगर नहीं होगा तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसके बाद सिस्टर के पास में आके उनकी वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद में उनको आधा घंटा यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है उनको तो फिर हम उनको फिर घर जाने को बोल सकते हैं। और
एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सिर्फ कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वही अलाउड है और सिर्फ वही लगाई जाएगी। इसके पीछे का क्या रीजन है कि कोवैक्सीन ही बच्चों को लगनी है, कोविशील्ड क्यों नहीं? तो कैसा है कि कोई भी वैक्सीन जब मतलब ह्यूमंस में यूज की जाती है तो पहले उसे काफी इंटेंसिव ट्रायल होते हैं, तो अभी तक के जो ट्रायल्स जो हैं वो कोवैक्सीन के काफी सक्सेसफुल माने गए हैं 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, इसलिए ही कोवैक्सीन की परमिशन गवर्नमेंट ने दी है, इसलिए हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर तो उनके पास में आधार कार्ड या लाइसेंस या और बाकी तमाम चीजें हैं, लेकिन बच्चों के लिए किस तरह से आइडेंटिटी प्रूफ कौन कौन से वो ला सकते हैं? इसके लिए कैसा है कि अगर किसी बच्चे के पास में आधार कार्ड नहीं है तो फिर उसका जो स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड है वो भी वैलिड होगा, उस पर वो अपना क्या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास में स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड भी नहीं है तो भी हमने एक और सुविधा चालू की है जिसमें कि विदाउट एनी आईडी कार्ड जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक चालू किया है जिसमें अगर किसी बच्चे के पास में कोई भी पहचान पत्र नहीं है उस बच्चे को भी हम वैक्सीन लगाएंगे, उसके लिए हमने एक अलग पोर्टल का शुरुआत की है। देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब की तरफ से दे रहे हैं कि अगर किसी के पास में बच्चे के आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उसके लिए भी एक पोर्टल बना दिया गया है और वहाँ उस पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है उसको और वैक्सीन बच्चे को लगवा दी जाएगी। और हम बात बच्चे से करेंगे, कोशिश भी करेंगे बच्चों से बात करने की। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिव विश्वास है। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, पहले अपलोड कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ जी, अभी रजिस्ट्रेशन कराया था मैंने। क्या लगता है आपको कि ये बहुत जरूरी है 15 से 18 के बीच के बच्चों हैं जिस तरह? जरूरी है, अभी पेपर एग्जाम वगैरह आ रहे हैं तो इसके लिए थोड़ी वैक्सीनेशन सेफ्टी के लिए जरूरी है लगवाना। सेफ्टी के लिए कोई डर है मन में? नहीं, डर तो कोई नहीं, बिल्कुल वैक्सीन के लिए देखिए तैयार है। और उनकी मदर भी है, बात करें, क्या नाम है? पुष्पा जी। पुष्पा, बच्चे के साथ पहुंची हैं या क्या लगता है आपको कितना सेफ रहेगा वैक्सीन लगवाना बच्चों को? देखो जी, सेफ भी है, लगवा लेंगे तो ये बच्चे आगे फिर पेपर भी देने जाएंगे, पेपर नहीं देने दे बच्चे इनको। अच्छा, जिस तरह से पहले डर था, एक डर का सा माहौल बन गया था कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, नुकसान हो सकता है, अब खासतौर से जब बच्चों की बारी आई है तो पेरेंट्स को तरफ से, जैसे आप पेरेंट्स अभिभावक हैं तो क्या सोचते हैं? देखो जी, ठीक ही है, बच्चे इनके लिए तो लग जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। जो हमारे जो मोदी जी है जी, ये देश के लिए, देश के प्रति बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के प्रति बढ़िया काम कर रहे हैं। और एक सवाल, जो स्टाफ नर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं पहले से ही, क्या मानते हैं जो डबल वैक्सीनेटेड होना अब जरूरी हो गया, क्या यही वजह है जो दोबारा से ये आ रहे हैं? जी, डबल वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद सरकार ने बूस्टर का भी ऐलान किया है, तो लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि स्टाफ भी बहुत मेहनत कर रहा है जब दोनों, क्योंकि ये एक मतलब ये नहीं है कि ये इंडिविजुअली हेल्थ डिपार्टमेंट की लड़ाई है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, तो सबको इक्वली ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें। संगीता, आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं अब वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह इस बात को लेकर है कि जल्द से जल्द डबल वैक्सीनेटेड वो हो जाए ताकि जो कोरोना की जंग है उस जंग को जीता जा सके। जी 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 देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपसे, और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से ताजा हालात आप तक पहुंचा रहे थे, और ऐसे में